जिन जजों ने दिया राम मंदिर निर्माण के लिए फैसला, अब उनके पास भी पहुंच गया निमंत्रण। बहुत जल्द अयोध्या में आएंगे राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने वाले जज। अभी कौन से जज कहां पर दे रहे हैं सेवा, हमारे साथ समझिए इससे जुड़ा पूरा मामला। अभी हाल ही में राम मंदिर का फैसला देने वाले जजों को निमंत्रण दिया गया है। इस समय जजों को निमंत्रण देने वाली ये खबर खासा सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही जज है जिन्होंने राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला दिया था। अब ये जज कौन से हैं और इनका नाम क्या है और ये कब राम मंदिर पहुंचेंगे, इन सभी प्रश्नों के हम आपको एक एक करके क्रमवार उत्तर देंगे। जैसा कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस समारोह में शामिल होने के लिए विश्व के तमाम दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया है। इन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट के वे जज शामिल हैं जिन्होंने 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाकर राम मंदिर बनाने की राह आसान कर दी थी। इसको लेकर मीडिया के माने तो राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले 5 न्यायाधीशों के अलावा पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों और प्रमुख वकीलों सहित 50 से अधिक न्याय क्षेत्र से जुड़े हस्तियों को 22 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजेआई एसए बोबड़े, वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय बेंच ने राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाकर राम भक्तों को खुशी का एहसास दिलाया था। उस समय भी लोगों ने घरों में मिठाइयां बांटी थी। यहां सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में श्री राम जन्मभूमि को, जो कि विवादित भूमि थी, वो राम लला को दे दी। तो वहीं मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए सरकार को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश भी दिया था। अब ये भी समझ लीजिए कि जिन जजों ने ये फैसला किया था वो जज इस समय कहां पर हैं। तो इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के फैसले के वक्त तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यसभा सांसद हैं। न्यायमूर्ति एसए बोबड़े 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021 तक भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर तैनात हैं। फिलहाल राम मंदिर में 7,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें 3,000 से अधिक अभिनेता, अभिनेत्री, पुजारी, दानदाता और जज समेत राजनेता शामिल हैं। फिलहाल आप राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने वाले जजों के लिए क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमारे साथ कमेंट में लिखकर साझा करें। तो वहीं इस समय भारत समेत विश्व के कई दिग्गज रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं या फिर पहुंच चुके हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार भारत समेत विश्व के कई बड़े नेताओं को है। उद्योगपति समेत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी रामलला की मूर्ति के दर्शन पाने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं। राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के बड़े बड़े ज्ञानी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं और धर्म अनुकूल राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी जोर शोर से प्रारंभ हो गया है, जहां कहीं वैदिक मंत्र समेत कीर्तन भजन किए जा रहे हैं ताकि रामलला प्रसन्न हो। इस समय भारत के तीर्थ स्थान में अयोध्या का धाम भी लोगों के बीच विशिष्ट आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोग इसे वर्षों के संघर्ष का परिणाम और राम की कृपा मान रहे हैं। इसमें कई बड़े भगवताचार्य का कहना है कि हमारा सौभाग्य है कि इस समय रामलला अपने धाम में आ रहे हैं। इसके लिए हमारे कई बड़े बुजुर्गों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।